हेलो एवरीवन, तो आज मैं बात करूंगा जो भी फूड मैंने आज तक अपने फ़िशिंग हॉबी में अपने फिशेस को फीड किए हैं उनके बारे में। मैंने अभी तक 12 तरह के फूड्स अपने फिशेस को दिए हैं, वो 12 में से 8 ये रहे। कुछ फूड पैकेट्स में आते हैं जिसे ख़त्म होने पर मैंने अभी फेंक दिया है, पर वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। और इसमें लाइव फीडिंग भी है जिनमें मैंने लाइव श्रिम्प्स अपने फिशेस को फीड किया था। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कौन सा फूड मेरे फिशेस को पसंद आया और कौन सा नहीं आया, और साथ ही साथ कुछ फूड्स को कंपेयर भी करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो सबसे पहले मैंने जितने भी फूड्स दिखाए उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। सबसे पहले है एल्गी वेफर्स। ये फूड सिर्फ प्लेको के लिए है। अगर ऑस्कर और पैरट इसे खा भी लें तो वो वापस इसे मुँह से बाहर फेंक देते हैं। मैंने दो ब्रांड्स के एल्गी वेफर्स यूज किए हैं, टाइयो और हिकारी। उसके बाद है टेट्रा बिट्स, जो कि काफ़ी फेमस फूड है और प्रीमियम क्वालिटी का है। इस फूड को हर फिशेस खा लेते हैं। फिर आगे है ट्रू कलर का ऑस्कर फिश फूड। ये सिर्फ ऑस्कर नहीं बल्कि पैरट भी काफ़ी अच्छे से खाते हैं। इसके आगे है टाइयो का श्रिम्पी, इसे भी ऑस्कर ने अच्छे से खाकर ख़त्म किया। इसके आगे है टाइयो का अरोवाना फूड स्टिक्स, इसे ना ही ऑस्कर खाते हैं ना ही पैरट, और सच बताऊं तो एक भी स्टिक किसी ने नहीं खाया। मैं बस इसे एक्वेरियम में डालता हूं और 15-20 मिनट के बाद उतना ही वापस निकालता हूं, क्योंकि इसे कोई खाता ही नहीं। सेम हालत इस हिकारी के सिक्लिट गोल्ड का है, इसे भी कोई नहीं खाता है, यहाँ तक कि कोई पूछता भी नहीं है। ऑस्कर ने इसे खाने का ट्राई किया पर वो वापस उसे मुँह से बाहर फेंक देता है। इसके बाद है ड्राइड श्रिम्प्स, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये ऑस्कर खाते तो हैं पर कभी कभी, और ये ऑप्टिमम का फूड, इसे भी मेरे कोई फिश नहीं खाते। ये मैंने तब लिया था जब मुझे फ़िश और एक्वेरियम का कोई आइडिया नहीं था। तो अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं अपने सारे फिशेस को दो टाइम खाना देता हूं। इन दो टाइम के बीच मिनिमम 10 घंटे का गैप रहता है। मैं स्टार्टिंग में हिकारी का ब्लड रेड पैरट और ट्रू कलर का ऑस्कर फिश फूड ये दोनों देता था, और साथ ही साथ टेट्रा बिट्स भी। ऐसा नहीं है कि ब्लड रेड पैरट वाला फूड सिर्फ पैरट फिश ही खाते हैं, ये ऑस्कर फिश भी काफ़ी अच्छे से खाते हैं, और उसी तरह से ट्रू कलर का ऑस्कर फूड पैरट फिश भी खाते हैं। इन्हें जब भूख लगती है ये आपके पास चले आएंगे, और खाना मिलने पर ऑस्कर फिश बिल्कुल झपट पड़ते हैं उस पर, और पैरट इस कारण से ऑस्कर के बाद ही खा पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ सिमिलर फूड बट डिफरेंट ब्रांड्स के, उनके कंपैरिजन की। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने अपने प्लेको को टाइयो के एल्गी वेफर और हिकारी के एल्गी वेफर दोनों दिए थे, तो इन दोनों में मुझे क्या डिफरेंस नज़र आया। टाइयो के एल्गी वेफर को सिंक होकर टैंक के नीचे जाने में टाइम लगता है, और हिकारी वाला डायरेक्ट टैंक के नीचे ही चला जाता है जहाँ प्लेको तुरंत उसे खा सकते हैं। हिकारी का एल्गी वेफर क्वालिटी में भी और प्राइस में भी टाइयो से डबल है। अब कंपेयर करते हैं हिकारी और टाइयो के फूड स्टिक्स को। मुझे एक शॉप वाले ने अरोवाना फूड स्टिक हिकारी के फूड स्टिक का अल्टरनेटिव बताकर बेचा था, पर यह बिल्कुल बेकार बात है। हिकारी के फूड स्टिक्स को ऑस्कर और पैरट काफ़ी मज़े से खाते हैं, पर यह टाइयो का अरोवाना फूड स्टिक्स इसके पास भी नहीं जाते। मैंने कई बार ट्राई किया देने का पर इन्होंने कभी भी नहीं खाया, एक बार भी नहीं खाया, और लगता है ये फूड सिर्फ अरोवाना फिश के लिए ही बना है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इन्हें हिकारी का फूड स्टिक्स काफ़ी पसंद है, ये बहुत खाना पसंद करते हैं। मैं इन्हें हाथ से भी खिलाता हूँ कभी कभी। पर अगर आप हाथ से खिला रहे हो तो ध्यान रखें कि ऑस्कर आपके फिंगर को काट ना ले, वरना थोड़ा पेन तो ज़रूर होगा। अब कंपेयर करते हैं टाइयो के श्रिम्प्स और अलीबाग के बीच से फ्रेश पकड़ कर सुखाए गए श्रिम्प्स को। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सूखे हुए श्रिम्प्स और जिंदा श्रिम्प्स दोनों इस टैंक में डाले हैं, पर पैरट फिश को कभी भी श्रिम्प्स खाते नहीं देखा। ऑस्कर फिश को श्रिम्प्स पसंद है ऐसा मुझे लगता था जब तक मैंने टाइयो के श्रिम्प्स खिलाए, और ऑस्कर ने भी मज़े से खाए। ये देखकर मैंने 1 किलो श्रिम्प्स ऑनलाइन खरीदे और गलती यहीं हो गई। ये ऑनलाइन श्रिम्प्स जो मैंने लिए इसमें सर से एक कांटा सा निकला रहता है, जो कि श्रिम्प्स का नेचुरल फॉर्म है वो इसी तरह से दे दिया गया, जो कि टाइयो ब्रांड में ये हटा कर दिया गया था। इससे हुआ ये कि ऑनलाइन जो मैंने श्रिम्प्स लिए थे वो कई बार मेरे फिंगर में चुभ गई, और मेरा तो फिर भी ठीक है, मेरे ऑस्कर के माउथ को चुभ गया और इसे घाव सा हो गया है। इसलिए मैं अब से इनका ये कांटा हटा कर इन्हें खिलाता हूँ,
पर जितने अच्छे से ऑस्कर ने टाइयो के श्रिम्प्स खाए उतने अच्छे से ये कांटे वाले श्रिम्प्स को नहीं खाते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो इसके लोअर लिप्स में घाव हो गया है जो कि ये कांटे वाले श्रिम्प्स के कारण हुआ है। इन्होंने उसके बाद से ये खाना ही छोड़ दिया है और अब तो मैंने भी देना भी इसे छोड़ दिया है और पैलेट्स वाले फूड ही देता हूँ। और अब आता है वो एक्सपीरियंस जो मैं कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और वो है लाइव फीडिंग का एक्सपीरियंस। लाइव फीडिंग के लिए मैंने श्रिम्प्स को फीड कराया था। जब मैंने श्रिम्प्स को टैंक में ऐड किया कुछ श्रिम्प्स मर चुके थे पर जो जिंदा थे उनमें से कुछ बोर्ड में छुप गए, कुछ ड्रम के अंदर छुप गए, कुछ पाइप में और कुछ तो प्लेको के सर के ऊपर। ऑस्कर फिश पकड़कर इन्हें खा रहे थे बट पैरट बिल्कुल नहीं। लाइव फीडिंग में टैंक जल्दी गंदा हो जाता है और टैंक के पानी से बैड स्मेल भी आने लगता है। मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑस्कर और पैरट फिश को मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खिलाए पर एक फूड वो शुरू से लेकर अब तक अच्छे से खा रहे हैं वो है टेट्राबिट्स। इनसे इनका पैटर्न का कलर भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है और सेम ग्लोफिश टेट्रा के लिए भी मैं बोलूँगा। मैंने ग्लोफिश टेट्रा को अपने 8 से 9 मंथ्स में सिर्फ टेट्राबिट्स खिलाए हैं। सभी हेल्दी भी हैं और काफ़ी कलरफुल भी। तो ये था मेरा अभी तक का फीडिंग एक्सपीरियंस अपने फिशेस के साथ और इनका फीडिंग बिहेवियर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इन्हें कुछ भी खाने को दें और ये खा लें। इनके साथ टाइम बिताने पर ये समझ आने लगता है कि ये क्या खाना पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं।